वहीं उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता थाना पुलिस ने 10,000 के फरार दो आरोपी जो इनामी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। नानकमत्ता थाना पुलिस के द्वारा दोनों अपराधियों को गदरौंद से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मामले का खुलासा करते हुए रुद्रपुर के पुलिस ऑफिस में एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि 10,000 के दो फरार इनामी अपराधियों को नानकमत्ता पुलिस के द्वारा गिद्धौर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आरोपियों की पिछले लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी नहीं आए थे, जिसके बाद एसएसपी मंजुनाथ टीसी के द्वारा आरोपियों के ऊपर इनाम घोषित किया गया। अब पुलिस टीम ने इनामी आरोपी जसबीर सिंह और कुलविंदर सिंह उर्फ पम्मा को गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये कुलबीर और जसबीर और कुलविंदर नाम के दो अपराधी पकड़े गए नानकमत्ता पुलिस के द्वारा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय डीजीपी महोदय के निर्देशन में उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने का अभियान निरंतर चल रहा है, और इसी अभियान के दौरान हम लोग उन्हें वांछित और इनामियों की धरपकड़ के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, और इसी प्रयास में एक दोहरी सफलता मिली है नानकमत्ता पुलिस को, जिसमें दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन पर NDPS से संबंधित मुकदमे दर्ज हैं। ये दोनों एक ही मामले में नानकमत्ता थाने से वांटेड थे पिछले 10 माह से, और एक एक मुकदमा दोनों पे पूर्व में भी दर्ज है NDPS के संबंध में। तो अभ्यस्त अपराधी है, तो नशे के विरुद्ध भी बड़ी कार्रवाई है ये, और क्षेत्र को अपराध मुक्त करने के दिशा में भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि दोनों आरोपियों को गिद्धौर से गिरफ्तार किया गया है, और अधिक जानकारी के साथ मुकेश जुड़ गए हैं सहयोगी। मुकेश, ये दोनों अपराधियों का क्या पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, और कैसे पुलिस को कामयाबी मिली? जी, आपको बता दूं किशन जी, ये दो आरोपी जिनके नाम की जसवीर सिंह और कुलविंदर सिंह और पम्मा था, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे, और जिसके बाद की जो SSP उधम सिंह नगर मंजूनाथ TC ने इन आरोपियों पे इनाम भी घोषित किया था 10,000 के। उसके पश्चात इन आरोपियों को पुलिस ने, नानकमत्ता थाना के पुलिस ने गिद्धौर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया, और दोनों ही आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत नानकमत्ता और खटीमा कोतवाली में मुकदमे दर्ज थे। दोनों आरोपी पिछले लगभग 10 माह से फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश। और ये हमारे सहयोगी थे मुकेश, उन्होंने जानकारी दी है कि दोनों ही काफी लंबे समय से फरार चल रही थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।